श्री राम। पहले तो जय श्री राम। जो मेहनत का खाते है उनको मोदी होना, मोदी हर हर मोदी। सब कमरे दिख रहे हैं नवनीत राणा, ऊपर मोदी जी होना। अब मोदी जी होना तो मोदी जी के लिए तो नवनीत जी को हम चुन के लाएंगे, ताकत से चुन के लाएंगे। 100 बरस तक जब जनता ने कांग्रेस की कब्र खोदी, तब ऐसे गलत परिस्थिति को संभालने के लिए सामने आए न हमारे नरेंद्र मोदी। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। देश भर में सियासी सरगर्मी तेज है और उसी सियासी नब्ज को टटोलते हुए रिपब्लिक भारत की टीम अमरावती जा पहुंची है। अब अमरावती का सियासी माहौल क्या कह रहा है, अमरावती की जनता आखिर किसके पक्ष में वोट करने जा रही है, क्या अमरावती में पहली बार कमल खिलने जा रहा है या फिर यहां पर अब कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीतकर और दिल्ली तक पहुंचने वाला है, इसी को जानने के लिए हम अमरावती पहुंचे और चुनावी चौपाल में हमारे साथ अमरावती के कई आम लोग मौजूद हैं। उन्हीं से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनावी माहौल अमरावती में क्या कह रहा है। दादा क्या नाम है आपका? सुधाकर देशमुख। क्या है इस बार का चुनावी माहौल अमरावती? माहौल कमल का। कमल का माहौल है, क्या खास है ऐसा कमल का माहौल, क्यों है? वो नवनीत राणा ने बहुत काम किया अमरावती 5 साल में। अच्छा, बहुत काम किया, बहुत पैसे लाए अमरावती शहर के दिल्ली के लिए करके माहौल है। लेकिन कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि नवनीत राणा पहले निर्दलीय तौर पर जीती और अब वो बीजेपी में आ गई तो बीजेपी के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, मतभेद और मतभेद का अंतर लोग समझ गए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को ऊपर मोदी जी और प्रथम अपना जो राष्ट्र है, समृद्ध राष्ट्र, संस्कृतित राष्ट्र, उसके लिए ये सब आयोजन है नीचे से ऊपर तक, इसलिए कोई विरोध नहीं है। सब बिल्कुल मतभेद अपने दूर करके 100% जिताने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आम पब्लिक की पूरी कोशिश है कि उनको जीतना है। कैसा है हिंदुत्व का माहौल? जय श्री राम। पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा माहौल है? हिंदुत्व का माहौल यहाँ बहुत अच्छा है और ये जो लोग है तो लोग अब बोलने, अभी सबके प्रचार चालू है तो कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, लेकिन यहाँ अमरावती में कमल ही आएगा चुनाव। कमल ही आएगा। हमारे चौपाल में मौजूद लोग जो अमरावती में कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, वो अपनी उंगली पर विकास गिनवा रहे हैं। काम हुआ है अमरावती में? बहुत सारे काम हुए सर, बहुत सारे काम हुए जो आज तक के लिए, वैगन फैक्ट्री हो गई, एयरपोर्ट का काम हो गया और MIDC का जो विकास हुआ है ये आज तक के किसी ने नहीं किया जो नवनीत भाभी ने करके दिखाया है। हाँ, वो निर्दलीय भी रहते तो तब भी चुन के आती, तो आज तो इतना बड़ा पक्ष उनके साथ में है। कांग्रेस भी तो बोल रही है कि हमने बहुत काम किया है। क्या क्या कांग्रेस ने क्या क्या भाई, 70 साल में काम किया हो आप? लोग बोल रहे बेरोजगार है, मैं भी बेरोजगार हूँ, इसके पहले मैं कलेक्टर था, जब से मोदी आ गया जब से खाली हो गया। हराम का खाने वाले को मोदी नहीं होना, जो मेहनत का खाते उनको मोदी होना, मोदी हर हर मोदी। आम लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा वो बाकड़े। अच्छा, तो राजा भाई ये बताइए क्या है यहाँ का माहौल, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आम लोग जो इसको लेकर वोट करने वाले हैं? देखो भैया, 25 साल तक यहाँ पर जो ये थे खासदार थे, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। हमारी नवनीत जी राणा जब से आई उसमें तो 5 साल हो गए, लेकिन 2 साल तो उसमें कोरोना में चले गए, लेकिन 2.5-3 साल में इतना फंड लाया कि अमरावती, पूरा अमरावती जिले का माहौल ही बदला। रोड बड़े बड़े वैगन फैक्ट्री लाया, एयरपोर्ट लाया, जहाँ एक हमारे यहाँ ये कॉटन ये तो लाए, बड़े काम तो ठीक है। विदर्भ की सांस्कृतिक राजधानी और SC आरक्षित सीट पर लोगों से बातचीत में बस नवनीत राणा के कामों की तारीफ और मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। जो छोटे मोटे काम होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये सब हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, हर काम में आपको दिख रहा है। अभी आप सर्वे करिए, आप खुद घूमिए, आपको समझ में आएगा कि काम क्या है। और 5 साल पहले का अगर रिकॉर्ड होगा किसी के पास तो आप मीडिया से निकालिए, यूट्यूब से निकालिए, आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। आम जनता को काम दिख रहा है और वो काम का वोट मिलेगा। नवनीत जी 1.5 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा लीड से चुन के आएगी। सब लोग यहाँ पर बीजेपी के ही समर्थक हैं क्या? कांग्रेस, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो देखा होगा कांग्रेस काल में बहुत काम। मैंने अभी तक वो कांग्रेस के विश्वास सिक्का नहीं हमारा, पर नवनीत राणा जी जब से आए, उनके घर को कभी भी जाओ, कोई भी मिलो, छूट है सबको। और उसके बाद में ये जो चुनाव हो रहा है, ये नेशनल लेवल का चुनाव है, आमदार के का या
तुम्हारे जिला परिषद का नगर सभा का चुनाव नहीं है, उसके लिए ऊपर मोदी जी होना। अच्छा। मोदी जी होना तो मोदी जी के लिए तो नवनीत जी को हम चुन के लाएंगे, ताकत से चुन के लाएंगे। आप यहाँ से मोदी जी के लिए कमल खिलाने वाले? बिल्कुल, मोदी जी के लिए तो कमल खिलाना ही है। कांग्रेस को वोट दे दीजिए भाई, क्या दिक्कत है? कांग्रेस का कोई विषय नहीं है यहाँ पे, जो भी है ना, नेता नहीं है ना, कोई विषय नहीं उनका, ना कोई विषय नहीं। जो नवनीत जी ने काम किया है, नवनीत राणा जी ने, उनके जैसा काम किसी ने नहीं किया। एक तो 20 साल के बाद में यहाँ पे कमल खिल रहा, तो वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। अब इनका भी सवाल सुन लीजिए। पूछ रहे हैं, कांग्रेस को वोट दें तो प्रधानमंत्री किसको बनाए? अरे कांग्रेस को वोट देके सर प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? जो आलू से हमको निकलता उसको प्रधानमंत्री, हमको पप्पू नहीं चाहिए। मोदी जी सर का बड़ा नेतृत्व चाहिए, इसके लिए मोदी जी ही चाहिए हमें। मोदी मोदी मोदी, ऐसा क्या किया मोदी जी ने? जी जय सिया राम। और फिलहाल आप सुनने की ताकत रखते होंगे आप मीडिया वाले, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं स्वतंत्र बुजुर्ग हूँ देश का, दिल्ली के मैं काफी इलाके घूम के आ रहा हूँ, वहाँ पर भी अंदरूनी जो प्रचार ये है और केजरीवाल के कांग्रेस के खिलाफत है और सब वातावरण है, तो मैं बैच और ये लगा के मेट्रो में घूमा जहाँ मना था, सारे लोग आके मुझसे पूछे भी, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है और मैं स्वतंत्र नागरिक हूँ, तुम दिल्ली वाले केजरीवाल ने हजार साल से जो गुलामगिरी लिखी हुई है, 50 ग्राम बिजली और 100 ग्राम पानी में बिके हुए लोग है तुम, तो ये भी बोलकर आया हूँ उनको। और कांग्रेस के बारे में मैं कार्यालय में भी जाकर जो देखा, तो आपको दो लाइन कहना चाहता हूँ, आप सब लोग आँख खोल के सुन लीजिए, कांग्रेस के बारे में हमने भी देखे हुए है, बुजुर्ग है तो हम। मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ जो मैंने रंजीत सुरजा वालों को बोला हूँ, बोलिए ना। हाँ, मैंने ये लिखा हूँ वहाँ पर, 100 बरस तक जब जनता ने कांग्रेस की कब्र खोदी, तब ऐसे गलत परिस्थिति को संभालने के लिए सामने आए न हमारे नरेंद्र मोदी, समझे? ये बात मैंने सुरजे वाला को मुंह पर बोल के आया हूँ। मतलब ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर बड़ी बातें करते नजर आ रखे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नीलेश मसदकर है। नीलेश भाई साहब, ये बताइए, ये सब तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आप किसको देने वाले हैं? मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया विकास हुआ है 5 साल में, और ये रनिंग खासदार मैडम जो है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अभी नानगांव पेट में टेक्सटाइल पार्क जो आया है, वो बेरोजगारी के लिए बहुत ही अच्छा रोजगार मिलने वाला है, और यहाँ पे वैगन व्हील का कारखाना चालू होने वाला है बंडेरा में, वो मेडिकल कॉलेज है। लेकिन ये सुविधा जो है, नवनीत भाभी ने आवाज़ उठाई है संसद में, इसलिए वो नवनीत भाभी हमको चाहिए, और बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे 200% जीत। 2019 के आम चुनाव में यहाँ बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। निर्दलीय मैदान में उतरी नवनीत राणा ने महज 36,951 वोटों के अंतर से SHS उम्मीदवार आनंद राव विठोबा को हराया था। ऐसे में कुछ लोग इस बार भी फाइट की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग हैं, और आम लोग जो कहीं अब रास्ते से गुजर रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत करें, उनको भी रोक कर बातचीत करेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं। ये कुछ लोग देखिए, ये गाड़ी पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? आनंद है भैया, हमारा नाम आनंद। आनंद जी, ये बताइए क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो फाइट होने वाला है। किसके बीच में फाइट है? भाभी और बड़वंत वानखड़े। अच्छा, कौन कौन इस फाइट में आगे बढ़ रहा है? कोई भी आ सकता भाई साहब, कोई भी आ सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कौन ने काम वाम हो रहा है या नहीं हो रहा है? काम हो रहा है ना। अच्छा, देश में किसको लेके आ रहे हैं? मोदी। मोदी को क्यों भाई साहब? उसके सिवा कोई हो ही नहीं। अच्छा, और राहुल गांधी पप्पू है। अच्छा, आप किसको लेके आ रहे हैं इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, अच्छा काम हो रहा है, देश को विकसित किया है उन्होंने। आप कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल आप जय श्री राम। जय श्री राम, कहाँ से आ रहे हैं? मैं रैली में से आ रहा हूँ। जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे। अच्छा, बस अभी किसका भजन नहीं चलेगा सर? नवनीत राणा का भजन चलेगा, नवनीत राय जाए चुन के आएंगी। जय श्री राम। ये माहौल है जो चुनावी चौपाल का माहौल है। जय, जरा कुछ और लोग हैं। मैडम आप कहाँ जा रहे हैं? अभी राजकमल रैली देखने के लिए। अच्छा। हाँ, क्या है यहाँ पर चुनावी माहौल? आइए आइए सर, आइए। चुनावी माहौल तो सब कमड़ी दिख रहा है नवनीत राणा। हाँ, और देश में? देश में भी कमड़ी आएगा शायद। हाँ, तो जी और लोग जरा आगे आइए, उनसे भी बातचीत करते हैं, वो कहीं जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? फुल तू बोल। अरे क्या नाम? नीलेश। नीलेश।
नाम भी मैडम से पूछ के बता। नीलेश नीलेश नहीं 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 मैडम क्या है इस बार चुनावी माहौल यहाँ का? गाड़ी बंद कर दीजिए ना, पेट्रोल की बर्बाद करना पड़ने। चुनावी माहौल तो अब लगता है ऐसा कमल आएगा करके। अच्छा, कोई खास वजह इसकी? विकास काम और मोदी देश में सब मोदी, सिर्फ मोदी और कोई नहीं? नहीं नहीं नहीं, किसी को जिता दीजिए। नहीं, सिर्फ मोदी आएंगे। ऐसा क्या काम किया है मैडम मोदी जी ने? मोदी जी सभी काम अच्छे ही करते हैं ना। रामलला का मंदिर बनाया ना इतना अच्छा, अयोध्या में सबसे बड़ा काम है ना मोदी जी ने किया। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? वाह, सुरक्षित है ना महिलाएं सही ना, सुरक्षित है ना। कोई दिक्कत तो नहीं जाती है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं जा रही है, और पहले से तो अब महिला बहुत बेटर फील कर रही है। हाँ, क्योंकि पहले बहुत दिक्कत जाती थी, महिलाएं घर के अंदर रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। अब कैसा है, रात को 11 बजे या 12 बजे भी अगर महिला जाती है, 11 बजे 12 बजे भी अगर रोड से महिला जाती है, कोई दिक्कत नहीं जाती है। हम खुद ड्यूटी करते हैं सर, ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं रात को 12 बजे। अच्छा माहौल है मतलब? जी सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? श्यामलाल धनकानी। बोलिए। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? अमरावती है ना। अच्छा, अमरावती के ही रहने वाले हैं? जी जी जी। क्या है इस बार माहौल चुनावी? बस मोदी साहब हैं। क्यों? बस सब विकास अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा, देश में अच्छा काम चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एकदम। इसीलिए सिर्फ मोदी जी को? मोदी मोदी और कोई नहीं चलेगा? नहीं। ये देखिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कुछ लोग और हैं हमारे साथ। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? अमरावती से। क्या है इस बार का चुनावी माहौल, क्या कह रहा है? इस बार तो सब पूरे जिले में नवनीत राणा ही है और कमल ही खिलेगा। अच्छा, सब जगह पर, क्योंकि उनकी जो मेहनत है और जनसंपर्क है वो हर हर घर में जाती है और झोपड़ों में भी खाना खाती है। और जो दूसरे उम्मीदवार है उनके घर को गए तो वो तो कुत्ते छोड़ देते हैं। आम लोगों के बीच में रहने वाली प्रत्याशी हैं, इसीलिए चुन रहे हैं आप। जय श्री राम, जय श्री राम, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये माहौल है, हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से, हम भगवा फैला रहेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अमरावती वो लोकसभा सीट है जहां से बीजेपी अभी तक नहीं जीती है। हालांकि इस बार नवनीत राणा की गूंज और मोदी लहर का असर इस सीट पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो ये पहली बार होगा जब अमरावती में कमल खिलेगा। चुनावी चौपाल रिपब्लिक भारत ने अमरावती में लगाई, और जब अमरावती में चुनावी चौपाल लगी तो आम लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कामों से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रखे हैं। इसलिए कुछ लोग यहाँ पर बीजेपी का माहौल बता रखे हैं तो कुछ लोग ये कहते नजर आ रखे हैं कि टक्कर थोड़ी सी कांटे की हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या अमरावती में पहली बार कमल खिलने जा रहा है या फिर परिवर्तन जनता कुछ और चाहती है। अभी आने वाला वक्त बताएगा। विजय अजय के साथ दीपेश परगले, रिपब्लिक भारत। तो चुनावी चौपाल में अमरावती सीट का हाल आपने समझा। बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस वक्त ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर में आज उनकी चुनावी रैली और मेगा रोड शो होने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में उनकी ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। आज सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के झाझर ककोड़ में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी महेश शर्मा को जिताने की जनता से अपील करेंगे। सीएम योगी की जनसभा सुबह 10 बजे होनी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी बागपत से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। बड़ौत छपरौली विधानसभा क्षेत्र में जयंत शक्ति रथ पर सवार होंगे। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान आरएलडी प्रमुख 10 से ज्यादा गांव में जनसंपर्क कर